लॉकडाउन के कारण ब्लड बैंकों में रक्त का संकट गहराता जा रहा है। ऐसे में कई मरीज रक्त को लेकर परेशान हैं। इस परेशानी को देखते हुए राजधानी जयपुर के चाकसू में रक्तदान शिविर लगाया गया, जहां 92 रक्तदाताओं ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। वहीं विधायक ने बताया कि कोरोना महामारी से प्रभावित लोगों के लिए कैंप लगाया गया है, जिसमें रक्तदान करने वालों का विधायक ने आभार जताया। अभी तो रक्तदान चल रहा है, अभी तो फॉर्म भरे हैं, 135 करीबन फॉर्म भर चुके थे और लगभग 70 से ऊपर लोगों ने अभी तक रक्तदान कर चुके थे। तो चालू है और टीम ने ही कहा है, उसके पहले तो कल ये बात हुई थी कि लगभग 50 लोगों का रक्त लिया जाएगा, परंतु ऊपर से आदेश मिलने के बाद में अभी ये तय हुआ है कि जब तक तो रक्त देने वाले लोग हैं जितने भी हैं उनको भी सम्मिलित करके किसी को निराश नहीं लौटाया जाए। ये अभी ऐसा कर मुझे लगता है कि 100 करोड़ यहाँ कर जाएंगे जब तक रक्तदान देने वाली टीम रहेगी, जब तक युवाओं का जोश बरकरार है और सभी लोग उत्साह के साथ में रक्तदान करना चाहते हैं। और इस कोरोना की महामारी में जिस तरह से चाकसू के तमाम युवा साथी, सभी समाज के लोग जिस तरह से लगे हुए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि चाकसू से कोरोना से बचा हुआ है, इसी तरह से राजस्थान को, पूरे हिंदुस्तान को, सभी